ये एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है। प्लेट्स दी हैं, तीन प्लेट्स हैं ए बी सी, ये दिया हुआ है। यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, इसको ऐसा कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ईच ऑफ थ्री प्लेट्स शोन इन फिगर हैज एन एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड गैप इज 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 20 वोल्ट। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन वेरियस सर्फेसेस। चार्ज निकालना है अपने को, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है सिस्टम, ठीक। देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे 0 20 वोल्ट का दिया हुआ, तो ये 0 वोल्ट है, मान लो ये 20 है, राइट। मतलब ये पूरी प्लेट है, इसमें सरफेस कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6, छह सरफेस है, राइट। अब देखो ये छह सरफेस में से ये दोनों 0 0 वोल्ट में है, ये पूरी प्लेट 20 पे है, तो ये 20 20 हो गया। ये पूरी प्लेट 20 पे, तो 20 20 हो गया। कैपेसिटर कहाँ होता है? दो प्लेट सर्फेसेस के बीच में बनता है, तो कैपेसिटेंस यहाँ बन रहा है आपका और यहाँ बन रहा है कैपेसिटेंस। इस प्लेट को आप नेग्लेक्ट कर दो, इस प्लेट को आप नेग्लेक्ट कर दो, दो कैपेसिटर मेरी नजर में आ रहा है। अब इसको मैं बनाऊंगा इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये 20 वोल्ट का मैंने लगाया है, ये 1 को छोड़ दो 6 को छोड़ दो, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। मुझे 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है और 4 और 5, तो पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू 2, पॉजिटिव टर्मिनल ऑल्सो कनेक्टेड टू 5, तो 2 को कनेक्टेड है 5, ये 2 प्लेट है, ये मेरी 5 प्लेट। नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू 3 सरफेस एंड 4, तो नेगेटिव कनेक्टेड टू 3, 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है और ये कनेक्टेड है। ये देख लो आप, ये आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़े। हाँ ओके okay. सर समझिए। तो ये दो कैपेसिटर हो गए पैरेलल में लगे हुए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? दोनों को ऐड हो जाएगी, C1 + C2, तो 2C हो जाएगी। तो ए की कैपेसिटी कितनी होती? ए एप्सिलॉन 0/D, एरिया कितना है दोनों का? 200 × 10⁻⁴ एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 हो गया तुम्हारा 8.85 × 10⁻¹² अपॉन डी। डी का वैल्यू है 0.2 × 10⁻³। अब इसको कैलकुलेट करना है, 2 10⁻⁴ कैंसिल, ये हो गया -10 70 में, तो 1770 पिको फैरड, तो 1.77 नैनो फैरड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक। चेक कर लेना एक बार। हाँ सही है। अब दोनों पे आपको चार्ज निकालना है, तो मैं निकाल लो, एक का कैपेसिटी कितना था? इस पे वोल्टेज आया 12, राइट, इस पे 12 वोल्ट हो गया, और कितना हुआ, कितना हो गया 12 वोल्ट, 1.7 Q = CV, सी कितना है इसका, एक का कितना था 1.77 / 2 था, वी था 12 नैनो कूलम, आंसर 6, तो ये हो गया तुम्हारा 17। तो देखो इस पे जाएगा, 2 पे कितना जाएगा? 10.62। 3 पे कितना जाएगा? -10.62। इस पे 10.62, नहीं नहीं सॉरी, इस पे कितना जाएगा? ओ माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? 5 पे जाना है ना, इस पे -10.62 दिखा रहा है, इस पे +10.62 दिखा रहा है, तो इधर से, हाँ ठीक है, इधर से माइनस आया होगा ना, और इस पे -10.62, तो ये इतना, हाँ इस पे 10.62, इस पे 0, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे 0, हाँ इस पे 10.62, -10.62, इस पे -10.62, इस पे 10.62, चेक कर लेगा नैनो कूलम। हेलो,
उसमें 17.7 नैनो कूलम लिखा हुआ है। 17.7 नैनो कूलम लिखा है क्या? हाँ। किस प्लेट पे? सारे मतलब एक में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लस माइनस है वो सही है और हर जगह इक्वल चार्ज जा रहा है। चार्ज तो इक्वली आ रहा है लेकिन इसमें तो मेरे को अलग लगा रहा है, देखो ना। अरे यार ये 20 वोल्ट है, मैंने 12 लिख दिया था, सॉरी 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 20 वोल्ट। हाँ तो 10 बराबर है, 17 वोल्ट, मैंने वो 12 वोल्ट लिख दिया था गलती से। तो 17.7 है, माइनस 17.7 है, माइनस 17.7 है, 17.7। आ रहा है समझ में? नहीं तो वापस समझाऊं सर, वो जो बाहर वाला प्लेट है हाँ। उस पे Q चार्ज दिया तो उसके लेफ्ट साइड पे Q/2 और राइट साइड पे भी Q/2 आता था। अगर आपने Q चार्ज दिया तो अलग से कोई प्लेट हुई तो जिसके आजू बाजू में कोई नहीं रखा है, अगर इसको सिर्फ आपने Q चार्ज दिया आजू बाजू में कुछ नहीं है तो इस पे आएगा Q/2 और इस पे आएगा Q/2, लेकिन बाजू में भी तो रख दिया आपने और इसको आपने माइनस क्यू दिया होगा ना। हाँ। एक बात कह रहा हूं तो फिर सब चीजें बदल जाएंगी, तब थोड़ी नया Q/2 रह जाएगा। जब इसको क्यू दिया इसको माइनस क्यू तो पूरा क्यू खिसक के इधर आ जाएगा और पूरा माइनस क्यू खिसक के सरफेस पे आ जाएगा, दोनों सरफेस पे 0-0 हो जाएगा। क्यों? एक बहुत सारे मेथड सीखे थे हमने, एक ऐसा वाला सीखा जो सबसे इजी होता है। आपने इसको कितना दिया? क्यू दिया, समझो उसको कुछ नहीं दिया तो इसको Q/2 हो गया, इसको Q/2 हो गया, इंडक्शन से माइनस Q/2 हो गया, इधर पे नेट चार्ज जीरो करने के लिए Q/2 हो। बट आपने इसको माइनस क्यू दिया, इस हिसाब से इसको माइनस Q/2 हो गया, माइनस Q/2 हो गया, इंडक्शन से प्लस Q/2 हो गया और नेट चार्ज जीरो करने के लिए माइनस Q/2 हो गया। अब आपने दोनों चीज कर दी है तो ये दोनों को ऐड करो, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू हो गया, यहाँ जीरो। पक्का ये वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, 8-10-15 क्वेश्चन एक साथ कर लेना, जो नहीं है फिर से पूछ लेना, ठीक है सर? हाँ सर, तो वो लेफ्ट वाले इसमें Q/2 कैसे आया? किसमें? इसमें लेफ्ट, हाँ मतलब जो अपना सर्किट है उसमें, इस क्वेश्चन में या जो जबरदस्ती बनाया उसमें? नहीं क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन क्वेश्चन में इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, ये बना देने से मेरा काम आसान रहता है। मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितनी है, 1.77। आधा चार्ज इस पे जाएगा, आधा इस पे जाएगा ना भाई। टोटल चार्ज कितना निकला? C into E तो 1.77 into 20, दोनों कैपेसिटी पे आधा आधा जाएगा ना। हाँ तो आधा कर दिया मैंने, तो 17.7 माइक्रोफेरेड इस पे, नैनोफेरेड इस पे, कूलम इस पे और 17.7 इस पे। मतलब ये वाली प्लेट पे प्लस 17.7 और इस पे माइनस, इस पे प्लस 17.7 इस पे माइनस। हाँ बोल रहा है, पक्का समझ में आ रहा है? ऐसे समझ गया, समझ गया। तो इसी के बाद इसी में एक और जो दूसरा वाला था वो भी बताऊं? नहीं सर, हो जाएगा। अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन ही है, फिर इसमें फर्क क्या है? कौन सा? उसके बाजू में बी जो लिखा है वो भी तो सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा उसके लिए शायद कोई क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अरे जो क्वेश्चन तूने भेजा उसमें आजू बाजू में दो फिगर बने ना, ए और बी, उसकी बात कर रहा हूँ। वो दोनों एक ही है, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है वो।